नमस्कार साथियों, मैं फिर से स्वागत करता हूं मैं आप सब लोगों का अपने चैनल के ऊपर। बेटा आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन एस्पिरेंट्स के लिए जो इंडियन नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं आफ्टर देयर ग्रेजुएशन। जैसा कि पहले वीडियो में बताया था कि इंडियन नेवी INET एग्जामिनेशन लॉन्च करने वाली है। पहले जो ये एग्जामिनेशन थी सिर्फ 10+2 के एस्पिरेंट्स के लिए थी जो नेवी में इंडियन नेवी में सर्व करना चाहते थे एज AA आर्टिफिशियल अप्रेंटिस या फिर नेवी SSR के थ्रू अगर जाना चाहते थे तो। बट अब जो है रिसेंटली नोटिफिकेशन इज आउट, फॉर्म फिलिंग विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 18th of May 2019। ठीक है, आप इंडियन नेवी की joinindiannavy.nic.in पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं अपनी एलिजिबिलिटी। ठीक है, यहाँ पर तीन एंट्रीज जो इंडियन नेवी ने निकाली है फॉर INET एग्जामिनेशन, इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट एग्जामिनेशन। ठीक है, वो तीन एंट्रीज हैं, एक तो एजुकेशन ब्रांच है, एक टेक्निकल ब्रांच है और एक जनरल ड्यूटी ब्रांच है। ठीक है, जनरल ड्यूटी के अंदर आपके जो है एग्जीक्यूटिव ब्रांच आ गई, ठीक है पायलट एंट्री आ गई, टेक्निकल में आपकी SSC टेक आ गई, ठीक है SSC टेक मेल और फीमेल दोनों। ठीक है, और एजुकेशन में आपकी परमानेंट कमीशन एजुकेशन कॉर्प्स, ठीक है नेवी एजुकेशन कॉर्प्स जो होती है, जैसे आर्मी एजुकेशन कॉर्प्स होती है वैसी नेवी एजुकेशन कॉर्प्स होती है। ठीक है, तो वो आप चेकआउट कर सकते हैं अपनी एलिजिबिलिटी जाकर। जो CPL होल्डर्स है, जो कमर्शियल पायलट लाइसेंस होल्डर है, उनके लिए भी एंट्री स्पेशलाइज्ड है अगर उन्होंने 10+2 कर रखी है। सो नो मैटर चाहे ग्रेजुएट हैं चाहे नहीं है, अगर वो CPL होल्डर है वो भी अप्लाई कर सकते हैं इस एंट्री के लिए। ठीक है, देयर विल बी अ रिटन एग्जाम थ्रू आउट, आप सुनना मेरी बात पूरी। ठीक है, वीडियो को एंड तक देखना, पूरा सिनेरियो आपको बताने वाला हूं कैसे क्या क्या रहेगा इसके अंदर। ठीक है, INET के अंदर जो है एक रिटन एग्जाम होगा आपका 100 मार्क्स का। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग विल ऑल्सो बी देयर, जैसे FCAT एग्जामिनेशन होता है वैसी सिमिलर आपका जो 100 मार्क्स का 100 क्वेश्चंस का INET का एग्जामिनेशन रहने वाला है। सिलेबस की बात करूं, इंग्लिश, मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, मैथमेटिक्स, करंट अफेयर्स और GK, सारा सिलेबस FCAT वाला ही है। तो प्रैक्टिस के लिए आप FCAT का जो है पेपर सॉल्व कर सकते हैं, सैंपल पेपर, ठीक है, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने इंडियन एयरफोर्स का FCAT एग्जामिनेशन नहीं दिया, INET देना चाहते हो तो चेकआउट करना FCAT का पेपर, सिमिलर पैटर्न के ऊपर बेस्ड INET रहेगा। ठीक है, आप फॉर्म डालेंगे एंड ऑल्सो ये नोटिफिकेशन में स्पेशली मेंशनड है, जो भी चीजें रहेंगी सारी आपको इन्फॉर्म की जाएगी इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू। ठीक है बेटे, तो ये चीज क्लियर रखना कि जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी इंडियन नेवी के थ्रू वो सारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू ही मिलेगी। सो दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, जितने एस्पिरेंट्स हैं सारे जाकर फॉर्म डाल सकते हैं। नाउ एक चीज और, जो CDSE एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छी चीज मैं बता देता हूं। जो लोग अपने CDS की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, कहीं भी फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम इन प्रिपेयरिंग फॉर द CDSE एग्जामिनेशन जो इस बार सितंबर में होने वाला है, ग्रेड अप एक एप्लीकेशन है, वो उन सब CDSE एस्पिरेंट्स के लिए ऑनलाइन कोर्सेज लेके आ रहे हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर जरूर चेकआउट करना। ठीक है, बहुत कॉस्ट इफेक्टिव कोर्सेज हैं, ऑनलाइन आपको कंटेंट मिलेगा और सारे टीचर जो है वहां पर वेल क्वालिफाइड है, प्रियर एक्सपीरियंस है 15-20 सालों का। सो यू कैन चेक इट आउट, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा। ठीक है, और ये चीजें मैंने खुद वेरीफाई करी है, सो यू कैन वेल इमेजिन कि क्या क्वालिटी वहां पर प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है बच्चे, सो INET एग्जामिनेशन जरूर फिल करना, मैं बार बार बता रहा हूँ 18th of May, ठीक है, कोर्स फॉर्म फिलिंग स्टार्ट है, आज नोटिफिकेशन वापस आ गई है, अपनी एलिजिबिलिटी चेक करो। BTech वाले एलिजिबल हैं, BSc वाले एलिजिबल हैं, BSc IT वाले एलिजिबल हैं, BSc नॉनमेड वाले, उनको PG डिप्लोमा कंपलसरी है साथ साथ। ठीक है, MBA वालों के लिए भी सीट्स हैं लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट में, तो काफी सारी सीट्स हैं। अब एक चीज यहां पर और क्लियर कर देता हूं, परमानेंट कमीशन और शॉर्ट सर्विस कमीशन, परमानेंट कमीशन जो है 20 सालों की सर्विस के लिए है, वो ऑफर की जा रही है हमारे आर्मी जो सॉरी नेवी एजुकेशन कॉर्प्स वालों को। ठीक है, जो शॉर्ट सर्विस कमीशन है वो 10 सालों की है, आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं टू दी मैक्स 4 इयर्स, तो कंप्लीटली SSC जो है वो 14 इयर्स की सर्विस है। उसके बाद आप सब लोगों को बहुत सारी गवर्नमेंट हमारी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है एक सर्विस मैन के कोटे के थ्रू। सो ये मत सोचना कि मैं SSC में जाऊंगा सिर्फ 14 साल करने का मौका मिलेगा, 14 साल इज अ वेरी लॉन्ग पीरियड, आप ये सोचकर मत जाइएगा, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको बाद में भी सरकार हमारी प्रोवाइड करती है। ठीक है बच्चे, तो उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो आप फॉर्म फिल कर देना जरूर एक बार फिर, नहीं तो मैं याद आपको दिला दूंगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।